आज की साकार मुरली 2 जनवरी 2021 मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, मानव मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किस बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर सिर ताज रखा, तुम्हारे पर सिर पर क्या रखा, ताज, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब ये समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना माना समझ। ये दो आंखें तो हमारे पास हैं, इन दो आंखों के अलावा एक तीसरी आंख जिसे समझ कहते हैं, जिसके द्वारा हम वो देख सकते हैं जो इन दो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। बच्चे फल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। माया बहुत प्रबल है जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी बाप को भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है माया, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार बहुत सहज, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज, बच्चे समझते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता, वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं, अंदर में समझना चाहिए। तीसरा नेत्र जब ये बात अनुभव कराए तब माया, बाबा कहते माया बच्चों की तरफ से, माया इतनी प्रबल है कि बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये जानने के बाद, ये पहचानने के बाद भी माया बुला देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा, माया बाबा
आपकी याद हमें भूल गई। कितनी सहज बात भी माया इतनी सरलता से भुला देती है। इसी को ही अंदर में समझना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम की पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्यों की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भव देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है, बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का, जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहां तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वे भी उनको मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते, बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं, दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते हैं सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? याद की यात्रा। ओम शांति। कितनी वंडरफुल बात है, खुद हम मुरली नहीं पढ़ेंगे तो औरों को याद की यात्रा समझाएंगे कैसे कि हम बाबा के डायरेक्शन पर चलते चलते कैसे अपनी चढ़ती कला करें, आगे बढ़े। हम आगे नहीं बढ़ रहे तो फिर क्या फायदा है? फिर क्या फायदा है? बाबा सच कहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं। बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। किस लिए आते हैं हम? इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं रिवाइज करने। भल को यहां रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप है, इसलिए कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है। ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं।
एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में, कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं, टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं, वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं, ऐसे तो भर पैसे लेते हैं, खास खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव, अपने मन को बैठ कर मनाओ, याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है जानते हो, उनको याद करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनने की विधि बाबा वंडरफुल देते हैं कि बाबा के डायरेक्शन पर चलो, जितना जितना बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे उतना पावन बनते जाएंगे, उतना व्यवहार कुशल बनते जाएंगे। मेन बात है मेरे को व्यवहार कुशल बनना है, मेरे से किसी भी आत्मा को दुख नहीं हो, सुख भी मिले, दुख नहीं हो यह टेंशन अच्छा है, परंतु सुख भी मिले तभी अकर्म का खाता बनेगा। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे, ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है, जितना बाबा का कहना मानेंगे तो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उनकी महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं, दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं, फलाना यात्रा पर जाता है हम भी जाएं, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, कितने मंदिर घूमो, कितने तीर्थ यात्राएं करो, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं, अब तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, अब तुम याद की यात्रा भी क्या समझते हो, एक त्योहार। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाप के डायरेक्शन पर चलना। अब तक हम अपनी मनमत पर चलते थे, पर मत पर चलते थे, गुरु की मत पर चलते थे, परंतु अब हमें बाप की श्री मत पर चलना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। त्योहार माना खुशी, खुशी हमें कब मिलेगी, जब हमें कुछ प्राप्ति होगी, वंडरफुल प्राप्ति कराने वाला एक बाप जो परम धाम से आकर हमें अब करा रहे हैं। याद ही हमारे लिए त्योहार है, क्या वंडरफुल बाबा बातें ढूंढ के लाते हैं। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अपने को सुधारते जाते हो, चढ़ती कला होती है तभी तो खुशी होती है, कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो क्या त्योहार।
अक्षर ही एक है, मन मना भव। अपने मन को मनाकर जैसा बाबा चाहता है वैसे बन जाए, ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वंडरफुल बात है, अनादि जिसका आरंभ नहीं, वो भी कहते हैं वे यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं, वे चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं, आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता ही नहीं है, तुमको अभी बाप ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची, जिससे तुम्हारा चरित्र श्रेष्ठ बनता है, तुम चरित्रवान देवता बनते हो। वो यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं फिर भी वैसे के वैसा बन जाते हैं, परंतु यहाँ आपके जीवन में परिवर्तन आता है, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डिगामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, वे भी चक्कर लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी रहे दूर के दूर, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिल नहीं सकता, मिला नहीं सकता, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे, फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर पांच विकारों में फंसते हैं, वे सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हुए हैं एक दिन सब जान जाएंगे। बाप आया हुआ है, भगवान आखरीन मिलेगा, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं, ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमद पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है, अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं, तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती है, वे तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ये हर दम याद रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएं। वे तो 84 का अर्थ भी नहीं जानते, भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है सतो प्रधान सतो रजो तमो सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी फिर शूद्रवंशी फिर सूर्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है, बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वे इस चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते, आप समान गॉड नहीं बनाते। वंडरफुल बात बाबा हमें समझा रहे हैं कि मैं आकर ज्ञान देकर अपने जैसा पवित्र श्रेष्ठ बनने की ट्रेनिंग देता हूं, परंतु गॉड नहीं बनाता।
तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जितना बन सकते हो वो तुम्हारी मेहनत है, परंतु कोई भी आत्मा गॉड नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि भोगता है। श्री कृष्ण 100% प्योर बनने के बाद भी भोगता होने के कारण 100% से 0 पर आता है। बाबा नॉलेजफुल बनाते हैं, सारा ज्ञान दे देते हैं, परंतु उस ज्ञान की धारणा के आधार पर हम पवित्र देवता बनते हैं, परंतु कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। भगवान भगवती बन सकती है, भगवान भगवती में देह आ जाता है। भगवान कहा जाता है 5 तत्वों को, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नील। 5 तत्वों को भोगता जो है वो भगवान है। तो देवी देवताओं को भी उन्होंने भगवान समझ लिया, उन्होंने देहधारियों को भी भगवान समझ लिया। परमात्मा है ही देहधारी, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान माना जो इन 5 तत्वों को यूज करता है, भोगता है। परमात्मा कभी भी इन तत्वों को नहीं भोगते, इसलिए परमात्मा को भगवान नहीं कह सकते, कह देते हैं। परमात्मा भी इन 5 तत्वों को टेम्परेरी 100 साल के लिए इस पृथ्वी पर आकर भोगते हैं, परंतु वो उनका अपना नहीं होता, वो पर काया में प्रवेश करते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। परमात्मा और भगवान में भी अंतर है। तो बाबा कहते गॉड नहीं बनाते। यहां एक बात हम छोटी सी और भी समझ लें, गॉड जो अंग्रेजी में लिखा जाता है वो परमात्मा के लिए जब गॉड लिखा जाता है तो जी बड़ा लिखा जाता है, परंतु किसी देवी देवता के लिए जब गॉड लिखा जाता है तो वहां जी छोटा लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, ये बात बहुत अच्छी तरह वंडरफुल अंग्रेजी के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है, तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस राशि के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आता है, आ जाता है, वंशावली भी आ जाती है। वर्ण भी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वंशावली भी, कैसे हम उनके वंशज बनते हैं, ये भी उसमें आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों को तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते हैं होंगे, उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे। पेपर्स की, तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? यहां तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाप से ले सकते हो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, या वकील बनेंगे, क्या बनेंगे? ये एक वंडरफुल हमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बाकी दुनिया में जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर चेक भी करते हैं। और यहाँ कमाल की बात ये है, पेपर बनाना भी हमको है। बाबा पेपर बनाने की विधि बता देते हैं, पेपर का फॉर्म भी हमको भरना है,
पेपर का पेपर भी हमको देना है, पेपर को चेक भी हमें खुद करना है, हम जो चाहे बना सकते हैं। रोजाना बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी होकर चेक करो कि मैं कितने नंबर लेकर पास हुआ हूँ, अभी मेरे में और कितनी कमियां हैं जिनको मैंने अभी भरना है। जितना जितना मैं अपनी कमियों को भरता जाऊंगा उतना श्रेष्ठ चरित्रवान देवता बनूंगा। यह मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं वो मैं बन सकता हूँ। ये वंडरफुल वंडरफुल स्कूल है, वंडरफुल कॉलेज है, वंडरफुल टीचर है। यहाँ जो बनना चाहे, जितना बनना चाहे, जिस पद के लायक बनना चाहे बन सकता है। इसलिए बाबा कहते जो बनना चाहो अब बन सकते हो। स्वयं परमात्मा आए हैं बनाने के लिए, कंडीशन है जितना बाप को याद करेंगे। मेन बात है जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो इसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम होती है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती, बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसों का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते ये दुनिया भी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं, ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। वंडरफुल बात बाबा हमें समझा रहे हैं कि मैं आया हूं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, तुम रूहों का उद्धार करने के लिए। परंतु बहुत बच्चे हैं जो दुनियावी जिस्मानी समस्याओं को लेकर आते हैं, बाबा कहते उनको डिप्रेशन में ना चले जाए, उनका भाग्य श्रेष्ठ बन सके इसलिए उनकी बात सुन भी लेते हैं, कुछ बता भी देते हैं। परंतु बाबा कहते मेरे पास ये बातें मत लाओ, मैं इसके लिए आया ही नहीं हूं, मेरा ये रोल ही नहीं है, मेरा ये पार्ट ही नहीं है। क्या वंडरफुल है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, मैं तो आया हूं तुम्हें ईश्वरीय धंधा सिखाने, तुमको वो रास्ता बताने का जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आश्रय मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आश्रय मत, वे है ही सुख धाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये अक्षर वहां होते ही नहीं। ये यहाँ पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहां दुख है ही नहीं, जो पूछा जाए ये है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खराफत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराफत पूछते हो। परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वो मिल गया, फिर किसकी परवाह। ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुशी राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं,
तो हमको क्या परवाह रखी है, ईश्वर के बच्चों की क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, बाबा हमें ताजधारी बना रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है, बाप नहीं ताज रखते। ये भी तुम जानते हो, ये वंडरफुल बात एक छोटी सी लाइन में बाबा ने कह दी। बाबा कहते मैं ताज नहीं रखता, मैं किसी के भी सिर पर ताज नहीं रखता हूं। ताज प्राप्त करने की विधि सिखाता हूं, परंतु ताज हर आत्मा ने अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करना है। क्योंकि सत्ययुग में जब प्रथम राजा बिठाया जाता है, मैं तो सत्ययुग में आता ही नहीं, मैं ताज क्यों रखूंगा, मैं ताज कैसे रखूंगा। बहुत बहुत वंडरफुल लाइन है, बाप अपने बच्चों के सिर पर ताज नहीं रखते, बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस, राजा बनने वाला राजकुमार। वहां जब तक बाप को, बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहां बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे, आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो। वहां तो ऐसी बात नहीं होती, अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं, वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वे तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे, अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप, तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे, वे तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है, जन्म जन्मांतर वे अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा राशि खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव, जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, ऐसे ही योग बल, इसे ही योग बल कहा जाता है, कि जितना बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन होगा, जितना बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन होगा
अर्थात बाबा के डायरेक्शन पर कितना अच्छी तरह चल रहे होंगे, सही रीति चल रहे होंगे, उतना ही योग बल कहा जाएगा। वो शक्ति बनता है, वो हमारे हर काम को सहज करने की शक्ति बन जाता है। कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होता, हर परिस्थिति हमारे लिए सहज सहज हो जाती है। कोई भी बात हमारी अवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसे योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्माओं को सर्वलोक का अनुभव करा सकती है, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। वंडरफुल बात बाबा ने बताई है, सूक्ष्म सेवा है। जब आप एकदम बाबा की श्री मत पर एक्यूरेट चलने वाले बन जाते हैं, तो फिर आप आत्मा की संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है। संकल्प की सेवा को ही सूक्ष्म सेवा कहा जाता है। स्थूल सेवा तो हम शरीर के द्वारा करते हैं, आत्मा तो संकल्प की शक्ति रखती है। और जब कोई संकल्प की सेवा की जाती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म सेवा। वो सूक्ष्म सेवा दो बातें बाबा ने अभी बताई हैं। नंबर एक, कोई भी आत्मा कितनी भी दूर है, उसे लगेगा जैसे कि आप उसके करीब हैं, सन्मुख उसे समझा रहे हैं, सन्मुख उसे अनुभव करा रहे हैं। उनको आपकी उपस्थिति अनुभव होगी। दूसरी बात, आप किसी भी आत्मा को उसके बाद परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते, आपके डायरेक्शन उनके लिए बड़ा सहज सहज स्वीकार्य होंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि ये सब करने के लिए अपनी एकाग्रता की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, मीन्स जो विषय आपके सामने हो, आप केवल उसी पर ही संकल्प चलाएंगे। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा